वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी शालिनी। तो आज का वीडियो होने वाला है समर सूट्स हॉल विच आई पिक्ड अप फ्रॉम मिंत्रा। सो आई हैव टोटल 7 कुर्ता सेट्स टू शो यू गाइज, एंड सारी की सारी जो 7 है ये विदाउट दुपट्टा है। सो दीज आर लाइक स्पेसिफिकली यू कैन से सूटेबल फॉर ऑफिस वेयर, एंड मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हैं। सो आई हैव दीज लाइक दीज पीसेज विद मी, खोला नहीं है, कुछ भी नहीं खोला है, कुछ भी ट्राई भी नहीं किया है। डोंट नो मुझे साइज़ वगैरह आएंगे भी कि नहीं आएंगे, बस एक मैंने ट्राई किया था जो कि मुझे नहीं आया। उसके बाद मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया है, फैब्रिक वगैरह कुछ भी नहीं देगा, खोल के भी नहीं देगा। तो सब कुछ मैं आपके सामने ही खोल के देखूँगी। एंड या सारे के सारे मैंने प्योर कॉटन में मंगवाए हैं। सो लेट्स सी कैसे निकलते हैं सारे पीसेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द पीसेस। एंड आई डोंट नो कि मैं आपको ट्राई ऑन दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, बट या मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लाइक इट्स फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग लाइक अ फर्स्ट इम्प्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन माई चैनल, क्योंकि हमेशा मैं पहले खोल के देख लेती हूँ, ट्राई ऑन भी कर लेती हूँ, साइज़ वगैरह मुझे सब पता होता है कि मुझे फिट होगा कि नहीं। बट इसमें मुझे नहीं पता मुझे साइज़ अभी आएगा नहीं आएगा, मैं आफ्टरवर्ड्स ट्राई करूँगी आता है नहीं आता है। बट मैं आपको अबाउट फैब्रिक के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी, प्राइस वगैरह बताऊँगी, एंड ऑल्सो मिंत्रा पे जो मॉडल्स की फोटो थी वो भी साइड में अटैच कर दूँगी, एंड अगर हम ट्राई ऑन कर पाए तो वो भी डेफिनेटली आपको शो करूँगी। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड माइशी, एंड आई गॉट इन द साइज डबल एक्सेल, एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा रस्ट ब्राउनिश एंड येलोइश कलर का, लाइक मस्टर्ड येलो एंड इस टाइप का इसका कलर कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ऑफ आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन, एंड इतना बेसिक टाइप का ये कुर्ता सेट था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वर्कवेयर के हिसाब से भी ऑल्सो मैं इसको घर में भी पहन सकती हूँ। सो दिस इज़ द कुर्ता, एंड या फैब्रिक लुक्स रियली वेरी नाइस। प्योर कॉटन का है तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा खड़ा वाला या हार्ड वाला नहीं है। एंड या दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, इस टाइप से इसका नेक है राउंड में, फिर आपको नीचे वी मिल जाता है, एंड 3 गोल्डन कलर के बटन्स मिलते हैं, 3/4 स्लीव्स है। आई लाइक 3/4 स्लीव्स मोर ओवर लाइक शॉर्ट स्लीव्स, या फिर मुझे स्लीवलेस पसंद है बिकॉज माई आर्म्स आर लाइक लिटिल हैवी, सो आई प्रिफर फुल स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स या फिर टोटल स्लीवलेस वाले चीज़ें, सो दैट हाथ उतने बल्कि नहीं लगते हैं। अगर आप शॉर्ट स्लीव्स पहनेंगे तो आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगते हैं। सो कमिंग बैक ऑन टू द कुर्ता, कुर्ता इज़ रियली वेरी नाइस, कलर इज really nice, print is also really nice, like floral print है इसका, and rust orange brownish color में है इसका color combination, थोड़ा green के भी touch दे रखा है। so yeah, basic सा कुर्ता है, and side slit का कुर्ता है ये, और pockets वगैरह नहीं है। so yeah, I like the कुर्ता, let's see मुझे आता है कि नहीं। और इसका bottom है ये वाला yellowish color का, और ये मुझे थोड़ा सा खादी कॉटन सॉर्ट ऑफ का मटेरियल लग रहा है। पूरी इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है ऑल ओवर दी साइड्स, एंड आपको इस टाइप की टाइंग डोरी दे रखी है, लाइक टाइंग डोरी तो क्या, टाइट एंड ढीला कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, लाइक अकॉर्डिंग टू योर साइज। पॉकेट्स इसमें नहीं है, एंड एकदम स्ट्रेट है इस टाइप से, बस नीचे एक ये चीज़ दे रखी है इसमें जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, एकदम डिफरेंट सी इंटीग्रेटेड सी इसकी डिज़ाइन है, लाइक प्लीट्स वाली डिज़ाइन है जो अलग से लगा रखी है, आई लाइक इट सो मच। और इसमें हल्का गोल्डन शाइनिंग वाला जो थ्रेड होता है उससे स्टिचिंग हो रखी है बाहर वाली तरफ, एंड वो दिख रही है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट लुक्स रियली वेरी प्रिटी। सो ओवरऑल आई लाइक द फैब्रिक सो मच, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी यू सी इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी सुंदर लगने वाला है। पहनने के बाद आप इसको विद दिस टाइप के दुपट्टे के संग कैरी कर सकते हैं, और विद अ ग्रीन दुपट्टे के संग भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाला है। एंड या आई लाइक द पीस अलॉट। इसका टैग प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका है 2799, बट आई थिंक मैंने ये 500-600 में ख़रीदा। लाइक मेरे जो जितने भी मैं 7 पीसेस आपको दिखाने वाली हूँ, हाइएस्ट प्राइस इज़ आई थिंक 800, तो 800 के अंदर सारे के सारे हैं। सो दैट्स द फर्स्ट पीस, मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगी। फिट के लिए मैं एक पॉइंट छोड़ देती हूँ, मुझे आता है कि नहीं, होपफुली आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पीस, आई गॉट फ्रॉम माई फेवरेट 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 ब्रांड, एंड दैट इज़ सांगरिया। लाइक मुझे सांगरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है,
अगर आप उसके कॉर्ड सेट्स ले लो या फिर कुर्ता सेट्स ले लो या फिर मतलब एथनिक में उसके काफ़ी अच्छी चीज़ें आती है, मुझे पसंद आती है उसके प्रिंट वगैरह भी। सो ये इस टाइप के प्रिंट में है, आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन है विच आई लाइक सो मच, लाइक ब्लूइश ग्रीन एंड ब्लू इस टाइप का कॉम्बिनेशन है और इस पर थोड़ा बांधनी सॉर्ट ऑफ का वर्क है विच आई क्वाइट लाइक दैट। सो टॉकिंग अबाउट द फैब्रिक, इसका अगेन वही प्योर कॉटन फैब्रिक है विच आई लाइक सो मच और सॉफ्ट फैब्रिक है विच इज़ लाइक द बेस्टेस्ट थिंग फॉर समर्स कि आपको कुछ भी काटेगा नहीं, इरिटेट नहीं करेगा आपकी बॉडी पे। एंड दिस इज़ द स्लीवलेस कुर्ता सेट, तो इसका इस टाइप का हॉल्टर नेक सॉर्ट ऑफ का नेक है, आप देख सकते हैं ये पूरा बंद है एंड उसके बाद ये स्लीवलेस है एंड पूरा बांधनी वर्क है ओवरऑल आगे भी एंड देन पीछे भी एंड इसमें पॉकेट है विच आई क्वाइट लाइक दैट एंड आई थिंक ऑन वन साइड ही है या ऑन वन साइड ही है एंड साइड में स्लिट दे रखा है और लेंथ भी इसकी काफ़ी डिसेंट सी एंड दिखने में इज़ लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसका बांधनी प्रिंट एंड द फैब्रिक एंड द कलर, मतलब बहुत पुराना नहीं लग रहा, एकदम फ्रेश सा इसका लुक दे रहा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉटम, सो इसका ट्राउज़र सॉर्ट ऑफ है या इट्स अ ट्राउज़र एंड इसके अंदर आपको आगे नॉर्मल वेस्टबैंड मिलता है, पीछे इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड मिलता है एंड बॉटम में कुछ भी पॉकेट्स नहीं है। ओके फाइन विद दैट एंड एकदम बेसिक सिंपल सा है। इसका जो कॉटन का फैब्रिक है ना एकदम प्योर कॉटन है, लाइक ये जो येलो वाला मैंने आपको दिखाया था दिस इज़ समवॉट लाइक अ खादी कॉटन जो थोड़ा सा मोटा होता है, बट इसका एकदम पतला है, इतना पतला कि दिस इज़ समवॉट लाइक लिटिल सी थ्रू। सो या खाली आई डोंट थिंक आप इसको किसी टॉपर वगैरह के संग पहन सकते हैं क्योंकि सी थ्रू है तो दिखने के चांसेस हैं, बट या आप लॉन्ग लेंथ कुर्ते या फिर शॉर्ट कुर्ती के संग इसको आराम से पहन सकते हैं बट नॉट विद द क्रॉप टॉप। सो या आई क्वाइट लाइक दिस ट्राउज़र बट थोड़ा सा सी थ्रू है, बट एनी वेज गर्मी के हिसाब से इट्स लाइक द अच्छा वाला फैब्रिक, काफ़ी ब्रीदेबल है, काफ़ी सॉफ्ट भी रहेगा स्किन पे। सो या दैट्स द सेकेंड पीस। सो द कलर कॉम्बिनेशन आई लाइक इट सो मच, फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मैं आपको इसकी टैग प्राइस बता देती हूँ क्या है। इसकी टैग प्राइस इज 2000 रुपीज़, अगेन प्राइस आपको मेंशन कर दूंगी 500-600 का ही होगा और इसमें मेरा साइज है 3XL। सो या सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांड, आई हैव दिस नेओ ब्रांड एंड इसके भी कपड़े अच्छे आते हैं। सो आई एम इन द साइज 2XL एंड इसका टैग प्राइस इज 2200 रुपये और अगेन 400-500 का होगा। सो दिस इज़ समवॉट लाइक एकदम डिफरेंट वाला क्योंकि कुर्ते के संग इसमें है लाइक वो कहते हैं ना पजामा, नो नॉट पजामा दैट सलवार सॉर्ट ऑफ थिंग। सो दिस इज द कुर्ता, बेसिक सा एकदम कुर्ता है, आप देख सकते हैं राउंड नेक का है, स्लीवलेस है एंड फ्लोरल प्रिंट है। आई लाइक फ्लोरल प्रिंट्स इन समर्स पर्टिकुलरली या फिर बांधनी लहरिया जो लाइक समर प्रिंट्स होते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है समर्स में ऑफकोर्स, क्योंकि एकदम डिफरेंट लुक लगता है और उसमें अगर आप वाइब्रेंट कलर्स पिक करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज़ इन द रेड कलर और लाइक ये एकदम रेड दिख रहा है बट इन रियल ये थोड़ा मरूनिश रेड है, लिटिल मोर ओवर मरून, थोड़ा डार्क है एंड या इसमें फ्लोरल प्रिंट है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगेन इसकी बेसिक सी लेंथ है, साइड स्लेट मिल जाते हैं, पॉकेट्स आपको नहीं मिलेगी इसमें। सो इसकी बॉटम की बात करें तो इसका बॉटम है सलवार स्टाइल में। सो आई रियली वांटेड टू ट्राई कुर्ता सेट्स जो सलवार स्टाइल या फिर जो धोती स्टाइल में मिलते हैं, सो सलवार स्टाइल में मुझे ये मिला एंड आई वॉज लाइक बट एक्साइटेड कि कैसा निकलता है। सो ओके लेट्स सी। सो ये आपको इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, अगेन कॉटन लाइक जो फैब्रिक की अगर हम बात करें तो एकदम कॉटन का एकदम पतला वाला फैब्रिक है, इतना कि ऑफकोर्स ये सी थ्रू है जैसे ये ब्लू वाला सी थ्रू था एंड या एकदम बेसिक सा ये है और सलवार स्टाइल में ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं मतलब जो वो हमारा हिप पोर्शन अलग से बनता है फिर वो लेग वाला बनता है वैसे ही बना हुआ है एंड नाड़ा वाड़े का चक्कर नहीं है, तो विच आई लाइक इट सो मच एंड यू सी दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। चुन्नटे वगैरह इसमें या है ओके, सो इसमें प्लीज आप देख सकते हैं आगे बहुत कम है, लाइक
3 to 4 प्लीट्स हैं विच आई क्वाइट लाइक डेट. सो आई थिंक मैं इसको शॉर्ट टॉप या शॉर्ट कुर्ती के संग भी पहन सकती हूँ, अच्छा लगेगा, बट नॉट विद द क्रॉप टॉप क्योंकि थोड़ा सी थ्रू है तो फिर दिखने के चांसेस है अगर आप तेज़ धूप में इसको पहन के जाएंगे. एंड या नीचे से भी इसका ये काफ़ी सही है, मतलब ये वाली सलवार मुझे काफ़ी अच्छी लगी. आई एम लाइक इनफैक्ट सर्चिंग फॉर दैट लाइक इलास्टिक वाली सलवार सो दैट वो ईजीली आप उसको पहन सकते हो, नाड़े वाड़े का चक्कर नहीं रहेगा. सो या देखती हूँ ये मुझे पहनने के बाद कैसा लगता है, अच्छा लगेगा तो आई एम थिंकिंग शायद मैं इसको रख लूँ या फिर इसी टाइप के सलवार के पीसेज और मंगवाऊँ क्योंकि गर्मी में ये सलवार पीसेज आर लाइक मोर कम्फर्टेबल एंड ब्रीदेबल इन कंपैरिजन टू लाइक ट्राउजर्स वाले. सो या और आपका स्टाइल भी चेंज हो जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस आई हैव दिस फ्रॉम द ब्रांड अनूप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पहले भी मैं इसके लाइक कुर्ता सेट्स खरीद चुकी हूँ. सो आई हैव अगेन दिस वेरी प्रिटी ब्लू एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन का कुर्ता सेट. सो इसमें आई एम इन द साइज डबल एक्सेल, इसका प्राइस है 1699 एंड यू सी वाइट आई मीन जिसमें आ जाता है ना मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक एकदम खिल उठता है वो चीज़ बिल्कुल. सो अगेन इस ये भी मतलब कॉटन, मैंने आपको स्टार्टिंग में तो दी थी कॉटन फैब्रिक है बट इसका कॉटन इज लिटिल स्टिफ मुझे ऐसा लग रहा है. आई थिंक एक वॉश के बाद ये थोड़ा सही हो जाएगा, बाकी जो अभी तक 3 पीस दिखा चुकी हूँ मैं आपको उनके एकदम सॉफ्ट कॉटन थे बट इसका इज लिटिल स्टिफ वन. सो इसका नेक है एकदम, आपको छोटी कॉलर मिलती है और आगे से इस टाइप का पैटर्न मिलता है, ये बटन्स हैं यू सी 1 2 3 4 विच आर लाइक ओपनेबल और नॉट. या ओके सो जो फर्स्ट बटन खुलता है सो दैट आप अपना नेक इजीली इंसर्ट कर सके, बाकी 2 बटन स्टिच्ड हैं एंड इस टाइप की 3/4 स्लीव्स मिल जाती है एंड स्ट्रेट है एकदम, साइड स्लेट है. तो ये मुझे लिटिल स्टिफ लग रहा है फील करने में, टच करने में थोड़ा सा स्टिफ है. आई थिंक ये धुलने के बाद थोड़ा और गफ होके आई थिंक सॉफ्ट हो जाना चाहिए. एंड ये भी फ्लोरल प्रिंट है विच आई क्वाइट लाइक दिट. सो इसका समवॉट ऐसे डिफरेंट टाइप का एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल प्रिंट है, आप देख सकते हैं वाइट बेस है, ब्लूइश का इस पर काम है, तो काफ़ी डिफरेंसेस का मुझे प्रिंट लगा इसलिए मैंने पिक किया. एंड इसका बेसिक आपको ब्लू कलर का ट्राउज़र मिलता है विच लुक्स प्रिटी नाइस. सो या इसका मुझे लग रहा है एंकल लेंथ का ट्राउज़र है, लाइक शॉर्ट वाले जो आते हैं एंकल लेंथ वाले ट्राउज़र वो लग रहा है एंड थोड़ा फिटेड वाला ही लग रहा है, नॉट दैट फ्लेयर्ड वाला. एंड आगे आपको नॉर्मल मिलता है, पीछे आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड मिलता है, पॉकेट्स वगैरह आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगी. एंड या इसका फैब्रिक भी सी थ्रू है बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू अगर हम कुर्ते के फैब्रिक से कंपेयर करें तो. सो या दैट्स अबाउट द नेक्स्ट वन एंड मुझे ये पसंद आया बट जस्ट कुर्ता फैब्रिक आई डिडंट लाइक दैट मच. बाकी समर्स के हिसाब से इट्स लाइक द बेस्टेस्ट कॉटन का पीस विच यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा सा कॉस आप खरीद सकते हैं. सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस आई हैव दिस फ्रॉम द ब्रांड अगेन आई थिंक अनूप या एंड आई एम इन द साइज डबल एक्सएल, इसका प्राइस है अगेन 1600 रुपीज एंड ये ब्लैक एंड वाइट में है. एक्चुअली मुझे थोड़ा वर्क पर्पज के हिसाब से ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ का चीज़ लाइक कुर्ता सेट चाहिए था. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बेसिक थिंगी कुर्ता सेट स्ट्राइप वाला, यू सी इस टाइप का आपको नेक मिलता है, एकदम बेसिक सा है, 3/4 स्लीव्स मिलती है एंड ये है ग्रेइश एंड ब्लैक सॉर्ट ऑफ, मतलब टोटल प्योर फॉर्मल कुर्ता सेट है ये. एंड अगेन इसका कुर्ता का फैब्रिक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, आई थिंक अनूप के आते होंगे, आई डोंट नो, मैं पहले अनूप के खरीद चुकी बट मुझे इतना स्टिफ नहीं लगा, बट पहले वाला जो दिखाया उसका भी स्टिफ था, इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है. सो या इसके अंदर अगेन आपको पॉकेट नहीं मिलती है, दोनों साइड स्लिट मिल जाते हैं एंड ब्लैक बेसिक आपको इसका ट्राउज़र मिलता है. सो आई फर्स्ट ऑफ आई लव सबके जो बॉटम वेयर है लाइक ट्राउजर्स क्योंकि एकदम सॉलिड बेसिक कलर है ब्लू ब्लैक येलो, तो ये क्या आप किसी और कुर्ते के संग किसी टॉप के संग शॉर्ट कुर्ती के संग भी इनको पहन सकते हैं. सो अगर आप इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आप लिमिट नहीं रहेंगे कि भैया इसी के संग पहन सकते हैं. सो इसमें अगेन आगे नॉर्मल वेस्ट पैंट है, पीछे इलास्टिकेटेड है, पॉकेट्स वगैरह कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है. सो या काफ़ी अच्छा है, पतला है, ब्रीदेबल है
अगेन सी थ्रू है थोड़ा सा, सो या यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप इसके अंदर, इसके साथ में कोई बहुत ज़्यादा छोटा टॉप नहीं पहन रहे हैं. सो या आई क्वाइट लाइक दिस सेट एंड या फर्स्ट मेजरली तो मुझे इनके बॉटम वेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके बॉटम वेयर काफ़ी ज़्यादा लाइक फ्लेक्सिबल टाइप पे हैं, क्योंकि कुछ भी गोटा नहीं लगा, कुछ भी लाइनिंग नहीं लगी, कुछ भी लाइक पाइपिंग नहीं लगी, किसी भी लगी, एकदम बेसिक प्लेन से हैं. तो आप इनको और भी किसी कुर्ते वगैरह के संग मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप, आई हैव फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड, लेट्स सी, मिश्का, एंड आई एम इन द साइज डबल एक्सएल. सो दिस इज अ फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता सेट, ओवरऑल फ्लोरल प्रिंट का, एंड इन आई थिंक शर्ट स्टाइल में इसका ये कुर्ता है. या एंड इसका फैब्रिक इज लाइक रियली वेरी नाइस, बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है, वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइक कम्फर्टेबल ऑन द बॉडी. वो मुझे थोड़ा स्टिफ लगा, पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ आखिर में. सो ये आपको एकदम बेसिक कॉलर स्टाइल में मिल जाएगा, लाइक जो हमारी शर्ट स्टाइल होती है इस टाइप से. एंड ये आपको 3/4 स्लीव है, एंड दिस इज द कुर्ता सेट. सो ये आपको इस टाइप से यहाँ यहाँ पे एक अलग डिज़ाइन और बीच में एक पैनल ऐड करके अलग डिज़ाइन दे रखा है, तो एकदम कुर्ता स्टाइल है. सो ये कुर्ता स्टाइल में है, लाइक दिस इज इन अ शर्ट स्टाइल, सॉरी नॉट इन अ कुर्ता स्टाइल, दिस इज इन अ शर्ट स्टाइल, बट ये एज अ शर्ट आप इसको पहन नहीं सकते, क्योंकि खुलेगा नहीं, सिर्फ एक फर्स्ट बटन खुलेगा. सो दैट आप ओके, फर्स्ट बटन भी नहीं खुलेगा, आगे इतनी सफिशियंट जगह कि अपना नेक इजीली इंसर्ट कर सकते हैं. साइड में स्लिट्स है, पॉकेट वगैरह कुछ नहीं है. फैब्रिक मुझे इसका पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉटम, तो इसका बॉटम भी इसी टाइप के मैचिंग का है, एकदम एग्जैक्ट इसका सॉलिड नियर. सो सॉलिड लाइक प्रिंटेड वाले में ये होता है कि आपको थोड़ा सा लिटिल प्रॉब्लम होता है मिक्स एंड मैच करने में, बट सॉलिड को आप इजीली किसी के भी संग मैच कर सकते हैं. सो इसका ओवरऑल इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है, आप देख सकते हैं. पॉकेट्स वगैरह अगैन इसमें नहीं है, एंड बेसिक्स इसका ट्राउज़र है. अगैन इसका ट्राउज़र भी काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है. सो वही आप टॉप वगैरह के संग नहीं पहन सकते हैं. बेसिक इस कलर की किसी कुर्ती के संग आप इसको पेयर कर सकते हैं, बट नॉट ज़्यादा इसके साथ आई डोंट थिंक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. बट फैब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जेंटल है ऑन द बॉडी, एक टच करने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. तो लास्ट पीस आई हैव इज दिस, जो कि मैं ट्राई कर चुकी थी, सब मुझे किसी मैरिज में जाना था, सो आई थॉट कि मैं इसको पहन के जाती हूँ, बट ये मुझे आया ही नहीं. सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड, और यही एक कुर्ता सेट है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बट एनीवेज, सो ये एक्सेल साइज में है, और ये रेयन फैब्रिक है, दिस इज़ नॉट अ कॉटन फैब्रिक, ये रेयन फैब्रिक है, पिंक कलर का है. इस टाइप से थोड़ा सा इसमें एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है, लाइक 3/4 स्लीव्स है, और इस टाइप से ये एम्ब्रॉयडरी है ऑन द स्लीव्स, लाइक एज अ बॉर्डर दे रखी है, एंड ऑन द बॉडिस पार्ट ये देख सकते हैं आप. ये बाकी ये पूरा ओवरऑल प्रिंटेड है, मुझे ऐसा लगा था कि ये भी पूरा ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडेड लिखा था, मुझे नहीं पता था सिर्फ इतने से पार्ट पे है. बट एनीवेज आई क्वाइट लाइक दिस वन, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि रेयन फैब्रिक है, गर्मी के हिसाब से अच्छा रहता है. कलर इसका बहुत अच्छा लगा, वाइब्रेंट, और इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी सही लगी थी, बहुत एकदम बारीक वाली इसकी एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन कलर की, बट समहा मुझे आया नहीं. सो दिस इज़ द बॉटम, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है इसकी ओवरऑल, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. तो इसमें पूरा प्लेन है, इसमें नीचे भी आपको इस टाइप से बॉर्डर दे रखी है, एंड पॉकेट है ना इसमें, या ओके, इसमें पॉकेट मिल जाती है आपको ओनली ऑन वन साइड. सो दिस इज़ द लास्ट पीस विच आई क्वाइट लाइक दिट, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बट समहाउ मुझे इसका साइज नहीं आया, सो आई विल बी रिटर्निंग अप दिस वन. And yeah, that's about this. And I hope आपको ये पसंद आया होगा मेरा short and sweet सा video. आपको कौन सी कुर्ता से bestest लगे tell me in the comment section below. मिलती हूँ आपको अपने next video में. Till then be creative and be stylish. Bye.